ऑन ड्यूटी थी और शाम के वक्त नहीं आई थी, और घर वाले जब ढूंढने लगे तो वो फरीदाबाद में मिली। सूरजकुंड थाना था जो, वहाँ उसकी कंप्लेंट उन्होंने कराई, पता लगा कि वो फरीदाबाद गई है। फिर घर वाले ढूंढने लगे उसे तो नहीं मिली। फिर जो उसके मेहरा साहब थे, कोई उसके सीनियर जो डीएम ऑफिस के थे, उनको उससे पहले उठा लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। सारी चीज़ें है ये, और फिर घर नहीं आई, फिर घर वालों ने ढूंढा, फिर पता लगा कि अगले दिन उसकी लाश मिली, और पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया ढंग से। 25 मिनट में बोल रहे हैं पोस्टमार्टम कर दिया। फिर जो एक निज़ामुद्दीन है, रिकॉर्डिंग भी आई है सामने कि रिकॉर्डिंग जो है उसकी स्टाफ वाले ही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, वो फ़ोन कर रहे हैं स्टाफ वालों को, तो फ़ोन नहीं उठा रहे, उठा रहे हैं तो पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है फ़ोन, या क्या है क्या नहीं, मतलब वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं की हैं उन्होंने। और घर वाले परेशान, बाद में लाश ही मिली उसकी, डेड बॉडी ही मिली, जिसका पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आया है। टिल डेट उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। इस अपराध को करने वाले अपराधियों की कोई गिरफ्तारी हुई है, ऐसी जानकारी है? गिरफ्तारी एक उसने खुद ही सरेंडर किया है, निजामुद्दीन नाम का एक उन्हीं का स्टाफ कुलीग था उसका, जिससे बोलते हैं कि उसका फ्रेंड था, रिलेटिव था, जो भी था कि हस्बैंड। देखिए जब तक कोई प्रूफ नहीं दिया उसने, तब तक वो हस्बैंड मान नहीं सकते हम उसे। लव ट्राइंगल वाली है तो उल्टी सीधी बातें करने वाली बातें हैं कि वो इंसान चला गया और उसको बदनाम करना चाह रहे हैं। और जहां बेटी की बात है तो जो इंसान चला गया उसके बारे में बहुत सोच समझ के बातें करनी चाहिए। अब हम सड़कों पे उतरी है सब महिला है कि उनको इंसाफ मिले, सिर्फ हमें यही है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इसी के लिए हम सब औरतें सड़कों पे उतरे हैं कि किसी तरह हो, ये क्या हो रहा है। कभी वो हुआ था निर्भया कांड हुआ, जब भी हम सब सड़कों पे उतरे, और अब ये केस घट नहीं रहा है और बढ़ रहा है, पता नहीं ये क्या कर रही है सरकार। तो हम औरतों की सुरक्षा के लिए कि हमें औरतों की सुरक्षा चाहिए, और जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय चाहिए, हम इसलिए उतरे हैं। आपका नाम क्या है? नफीसा। और आप कहाँ से आई हैं? पुरानी दिल्ली से। अच्छा, आप क्या चाहती हैं साविया को कैसे इंसाफ मिले? हम ये चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले। हम सब जो इतने दिन से हैं, इतने दिन हो गए लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है जी। अब बहुत परेशान है सब, कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक होता रहेगा। पहले भी ऐसा हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हुई, और अब भी ये वाकया हुआ है, इसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम महिलाएं कब तक घुटघुट के जिएंगी, कब तक अपनी बच्चियों को अपने घर में रखेंगी, कब तक माएँ बाहर नहीं भेजेंगी, पढ़ाई का भी हर जगह ऑफिस भी जाती हैं, सब जगह जाती हैं, इस तरह कैसे गुजारा हो पाएगा। बस हम चाहते हैं इनके साथ जो है, और इस तरह की घटनाएं बंद बंद करो और हमारी सुनवाई हो, ताकि हम परेशान ना हो।